सो गाइज आपने भी कुछ इस टाइप की इंस्टाग्राम पर रील जरूर से देखी होगी। और गाइज इसमें बीट सेट करना कितना ज्यादा मुश्किल है आप गाइज म्यूजिक को सुनकर ही पता लगा सकते हो। जब गाइज मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और देखा कि इसके ऊपर किसी ने भी वीडियो बनाई है या नहीं, तो मैंने देखा कि यार इसके ऊपर वीडियो ही नहीं है। तो गाइज मैंने सोचा कि चलो गाइज हम ट्राई करते हैं और हम वीडियो लेकर आते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप प्रॉपरली कैसे सेट कर सकते हो इसमें बीट के ऊपर, जैसे जैसे आपका बीट इसमें जा रहा है। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइज एक और चीज, अगर आपको गणेश चतुर्थी का बैकग्राउंड चाहिए तो गाइज हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो गाइस सभी न्यू बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं किसी के बैकग्राउंड को उठा लिया और बोल दिया कि ये मेरा बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है गाइस, वो सभी बैकग्राउंड मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो गाइस इस वीडियो में जितने स्टॉक यूज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर हमारे चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है जिसका नाम है इनसॉर्ट। और गाइस ये आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा फ्री में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे आपने सीधे वीडियो वाले सेक्शन पे जाना है और यहां से गाइस आपने फिर फोटो वाले सेक्शन में जाना है और यहां पे क्या करना है आपने 62 फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है, याद रहे 62 फोटोज़, ठीक है। तो यहां से गाइस हमने अपने 62 फोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया और यहां पे गाइस देख सकते हो आप, तो यहाँ पे साइड में मिलेगा कैनवास का ऑप्शन, आपने उस पर जाना है और यहाँ पे गाइस आपने 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और फिर क्या करना है आपने अपने फ़ोटो के साइज़ को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस अपने फ़ोटो के साइज़ को हम सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा अप्लाई टू ऑल डुअल टिक का ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस ये जो इफेक्ट है मतलब जो कैनवास का साइज है वो सारे फ़ोटोज़ पर अप्लाई हो जाएगा। और गाइज ऊपर जो मैंने बीच में ब्लर दिया है उस पर ऐड चल रहा है, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होना, इसलिए गाइज मैंने वहाँ पर ब्लर कर दिया है। तो गाइज यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्पीड वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 0.1 स्पीड करना है, ठीक है, यहाँ पे 0.1 हम कस्टम टाइप कर देते हैं। और यहाँ से भी गाइज आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है, मतलब यहाँ पे ये सारे फोटोज़ पे आपके अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके 62 फोटोज़ थे सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे एंड में जाना है, एंड से हम शुरुआत करेंगे अब। तो यहाँ पे एंड के 10 फोटोज़ को आपने 0.5 सेकेंड रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम फर्स्ट फोटो के ऊपर टैप करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो 0.5 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे ऐसे ही आपने सेकेंड फोटोज़ के ऊपर जाना है और यहाँ पे ड्यूरेशन पे जाना है और यहाँ पे इसको 0.5 कर देना है, देन ओके, और देन यहाँ से टिक कर लेंगे। फिर थर्ड फोटो, ऐसे करके आपने लास्ट के जो 10 फोटोज़ हैं उनको आपने रख लेना है 0.5 सेकेंड। तो इस तरह से गाइस आपने जो बाकी फोटोज है मतलब 10 फोटोज में सभी के ऊपर अप्लाई कर लेना है 0.5 सेकेंड, ठीक। उसके बाद से गाइस हमने 10 फोटोज के बाद से अप्लाई करने के बाद से लास्ट के 6 फोटोज पे आपने रख लेना है 0.3 सेकेंड, ठीक। मतलब एंड से हम शुरुआत करेंगे, एंड से लेफ्ट साइड की तरफ हम जाते जाएंगे और हम पहले तो रखेंगे 0.5 सेकंड 10 फोटोज़ पे, और जहाँ पे 0.5 सेकंड ख़त्म होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6 फोटोज़ पर रखेंगे 0.3 सेकंड। तो यहाँ पे गाइस आपने अच्छे से याद करके सेट कर लेना है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमने अपने सभी फोटोज़ के ऊपर सेट कर लिया है, देन क्या करेंगे यहाँ पे गाइस हम म्यूज़िक ऐड करेंगे। तो पहले तो गाइस आप हमारी वीडियो का लेंथ देख लो, यहाँ पे हमारा वीडियो का लेंथ है 11.4 सेकंड। तो यहाँ पे गाइस हम म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से गाइस माय म्यूजिक में जाते हैं और यहाँ पे म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और देन यहाँ से हम टिक कर देंगे और देन हम प्ले करते हैं, तो एकदम बीट पर जो गाइस हमारा सेट होना चाहिए एकदम परफेक्टली सेट हुआ है। बस गाइस टाइम का आपने अच्छे से ध्यान देना है कि कौन से सेकेंड को कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे एक लोगो आएगा, तो लोगो पे जैसे आप कट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा फ्री रिमूव, तो यहाँ पे एक ऐड चलेगा, उसके बाद से गाइस आपका जो लोगो है वो फ्री में रिमूव हो जाएगा। देन गाइस आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम सेव कर लेते हैं। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।